नमस्कार देशवासियों, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और वक्त हो चला है भारत एट नाइन का। जिंदगी बर्बाद करने का कारखाना आपने देखा है? भारत में महानगरों से लेकर जिलों में जिंदगी बर्बाद करने का कारखाना खुला हुआ है, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी और हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं। इस कारखाने की खूबसूरती यही है कि जिसकी जिंदगी बर्बाद होती है उसे फर्क नहीं पड़ता और जो बर्बाद कर रहा है उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नवयुवक बर्बाद करने वाले कारखानों में जाते ही क्यों हैं, वहां दाखिला लेते ही क्यों हैं? क्योंकि ये सब आसानी से बिकता है। पैसा फेंको और डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। फिर वही डॉक्टर इंजीनियर जब व्यवस्था पर अव्यवस्था का बोझ बन जाए तब जनता त्रस्त होती है। लेकिन इन कारखानों को फलने फूलने का मौका आखिर किसने दिया? वो दिया है हमारी सरकारों ने। क्योंकि जब सरकारी नौकरी पाने के लिए छात्रों को अपनी उम्र निकल जाने तक का इंतजार करना पड़े और परीक्षा दे भी दें तब उसके परिणाम का इंतजार करने में भी वर्षों बिता दें, यह सिलसिला कोई आज का नहीं है, यह हर साल की कहानी है। यह अब नई रवायत बन चुका है, अब नॉर्मल सा लगने लगा है। हर बार की तरह ही इस बार भी सरकारी नौकरियों को लेकर होने वाली परीक्षाओं में विवादों ने जन्म ले लिया है। SSC CGL 2019 ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रहा है, छात्र परेशान है। तो वहीं कोविड के चलते बीते साल UPSC की परीक्षा छूट गई थी, ऐसे में कुछ लोगों की उम्र भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से छूट गई। अब वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फैसले में कुछ भी अच्छा नहीं कहा, जिससे वो खुशी के दो पल जी लेते। फिलहाल अभी के लिए पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। बीते 3-4 दिनों से ट्विटर पर एक ट्रेंड लगातार छाया हुआ है, #मोदी रोजगार दो के जरिए कई युवा रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार की मांग कर रहे हैं। इस हैशटैग पर बीते 2-3 दिनों में 20 से 25 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। इसके अलावा मंगलवार को एक और हैशटैग CGL19 marks भी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इस पर अभी तक 32 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने असली तैयारी कल यानी 25 फरवरी के लिए की है। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से इन हैशटैग्स पर एक साथ लाखों ट्वीट्स करने की तैयारी चल रही है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे ट्रेंड कराने के लिए छात्रों ने कमर कस ली है। वहीं विरोध के स्वर में एक आवाज़ ऐसी भी है जिसको सुनना जाना बहुत ज़रूरी है। यह आवाज़ सचिन की है, वो क्या कुछ इस आंदोलन को लेकर कहते हैं उन्हीं से सुनिए। मेरा नाम सचिन है। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है जब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अतिरिक्त मौका देने से मना कर दिया है। ये सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत कठिन समय है। कोरोना काल में सभी के साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं और सभी ने इसका सामना किया और सभी को इसके नुकसान भी बहुत हुआ है। तो उम्मीद यही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक अतिरिक्त मौका देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। पूरा विवाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा को लेकर है। UPSC के जरिए जहां केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती होती है, तो SSC CGL के जरिए केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं। SSC सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। वहीं आयु सीमा लांघ चुके UPSC उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में नहीं मिल सकेगा अतिरिक्त मौका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अक्टूबर 2020 में कोविड महामारी के चलते वंचित रह गए उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने उम्मीदवारों को कहा है कि उन्हें अतिरिक्त मौका नहीं मिल सकता, जबकि उम्मीदवारों ने वर्ष 2021 की परीक्षा में उन्हें अतिरिक्त अवसर देने की मांग की थी। तो ये जो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, यकीन करिए ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, इसे भी भूकंप और सुनामी जैसी आपदा की तरह ही कवर किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारा मीडिया सो गया। हमारा मीडिया ये चीज़ें दिखाना ही नहीं चाहता। सोचिए, ऐसे लोग रोज़ सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज क्या नया करना, बल्कि वो रोज़ वही पुराना करते हैं। पहले सरकार के किसी मंत्री को ट्वीट करते हैं, फिर ट्रेंड चलाते हैं, फिर मीडिया को गरिया लेते हैं और रात होते होते हाथ पर हाथ धरे अपनी बर्बादी को देखकर रोते हैं।
पार्टियां बड़ी सहूलियत के साथ चुनाव लड़ती हैं, चुनाव परिणाम भी निर्धारित समय पर आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर खुद नेताओं के भविष्य का सवाल है। और छात्रों का भविष्य तो वो वही है जैसे मेरे पीछे का बैकग्राउंड, बिल्कुल काला। पिछले साल नवंबर 2020 में तीन पालियों में सीजीएल 2019 के टीयर 2 और उसके 2-3 दिन बाद टीयर 3 की परीक्षा कराई गई थी। यहां बता दें कि सीजीएल 2018 तक यह व्यवस्था थी कि टीयर 2 के रिजल्ट आने के बाद जो छात्र क्वालिफाई होते थे उन्हें टीयर 3 में बैठने का मौका मिलता था, मगर इस बार दोनों की परीक्षा साथ में 3-4 दिन के गैप पर कराई गई और यह नियम रखा गया कि जो कैंडिडेट टीयर 2 क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की टीयर 3 की कॉपी चेक की जाएगी। ट्विटर पर 25 फरवरी को ट्रेंड कराकर आंदोलन की तैयारी है और यह तैयारी इसलिए है क्योंकि देश के युवा ने अपनी बात कहने की खूब कोशिश की, लेकिन वो मोटेरा स्टेडियम का मोदीकरण और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की मूसलाधार कवरेज के बीच हार गया। उनका आंदोलन भाप बनकर उड़ गया, बादलों में मिल गया, लेकिन टीआरपी के नाम पर अपने आप को देश का नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 बताने वाले चैनलों तक नहीं पहुंचा। समय को प्रणाम तक करने वाले चैनलों ने भी उनके समय की कद्र नहीं की। लाचार बैठे इन छात्रों की कोशिश अभी तक सफलता का कोई फल नहीं चख पाई है, लेकिन ट्विटर पर आंदोलन कर रहे छात्रों की भाषा बहुत शालीन और नए जमाने में छाए मीम कल्चर का ही कलेवर यहां भी देखने को मिल रहा है। छात्रों के आंदोलन की पूरी वजह क्या है, आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। ट्विटर पर विरोध की शुरुआत 19 फरवरी को टीयर 2 के रिजल्ट के बाद शुरू हुई। हर साल से उलट इस बार टीयर 2 के रिजल्ट के साथ मार्क्स नहीं जारी किए गए बल्कि एक कट ऑफ जारी किया गया। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि 18 नवंबर को पेपर आसान था और छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। हालांकि जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर आने की संभावना जताई थी। तो जब सरकारों के पास वैकेंसी होती ही नहीं तो वो परीक्षाएं कराती ही क्यों है, परीक्षा के नाम पर फीस लेती ही क्यों है, परीक्षा के नाम पर ये छात्रों का शोषण सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है, यह हर साल की कहानी है। छात्र पहले पढ़ता है फिर हर साल वो लड़ता है। छात्र हर साल परीक्षा के परिणामों के लिए गिड़गिड़ाता है, दिन रात एक कर जो पढ़ाई करता है, फिर वो इंटरव्यू रिजल्ट डिक्लेरेशन अलॉटमेंट कराए जाने के लिए परेशान होता है, उसके लिए लड़ता है, उसके लिए लाठियां भी खाता है। ये सिर्फ और महज 2021 की नहीं बल्कि हर पार्टी के राज में बीते दशकों से चली आ रही वही सामान्य कहानी है। मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि भारत के परीक्षा तंत्र में बड़े बदलावों की जरूरत है। धन्यवाद।